हेलो दोस्तों, सभी को राम राम और जय हिंद। और क्योंकि आज है 15 अगस्त और आज है हम लोग का स्वतंत्रता दिवस, तो हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं और नक्स आज हम लोग जाएंगे, हम लोग का मेरा जो हम लोग कंपनी है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार तो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरा दूसरा परिवार भी जो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो वो भी मेरा परिवार ही है। तो आज मैं और नॉक्स, मेरा जो परिवार है सौराष्ट्र फील्ड्स महाशक्ति गोक, वहाँ जाके हम लोग आज का दिन की धूमधाम से उसको मनाएंगे। और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी क्या उत्सव है, क्या खेल हो रहा है, कौन कौन आए हैं, कैसा आयोजन है। तो चलिए मैं और नॉक्स वहाँ जाते हैं और गीता आज यहीं पर रहेगी क्योंकि आज उसका उपवास भी है, और मैं नक्स जाएंगे क्योंकि आज नक्स को छुट्टी है। मैं जाऊंगी मंदिर, गीता जाएगी मंदिर क्योंकि हाँ आज तो जल्दी उठ गई थी और 1-1.5 घंटे में तो फ्री भी हो गई है। तो मैं और नक्स सीधा जाएंगे कंपनी पे और वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या माहौल है, क्या आयोजन है। कम से कम मैं अपना फेस कम से कम दिखाऊंगा क्योंकि मैं शायद ज़्यादातर सामने का ही दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है, क्या आयोजन है, क्या गेम है, वो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। तो आज का व्लॉग शायद लंबा हो जाए, तो आशा करता हूँ कि आज आप थोड़ा देखिएगा और हमारे परिवार में जो उत्सव है उसको भी आप अपनी आँखों से देखिए, हमारे साथ भी आप उत्सव में हिस्सा लें मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करके मैं आपको मिलता हूँ कंपनी पे। मैं और नक्स जाते हैं कंपनी पे। बाय बाय दोस्तों, अजी तो आप लोग जाओ मुझे अभी तो जाना है अभी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके वहाँ पे। तो दोस्तों मैं अभी ग्राउंड पे आ गया हूँ और हमारे माननीय श्री पटेल सर जी है और बाकी स्टाफ जो है, संजय भाई है, ऋषि भाई है, मुरुगेश भाई है, सब ग्राउंड पे आ गए हैं। झंडा उत्कलन के लिए जो ध्वज है वो रेडी कर रहे हैं सब, और बाकी स्टाफ भी जो है धीरे धीरे सब टीम अपने साथ पहुँच गई है। सब कर्मचारी धीरे धीरे आते जा रहे हैं क्योंकि अभी सब ड्यूटी भी हो गए, काम भी करते होंगे, तो सब काम ख़त्म करके जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेंगे। और अभी ये जो है झंडा उत्कलन के लिए रेडी हो गया है और बाकी हमारे कर्मचारी स्टाफ, आज मैच भी है सबका, फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल मैच है आज, तो वो सब भी होगा। सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए जय हिंद, आज आज़ादी का जो पर्व है वो सब खुशी से मनाते हुए हमारे तो आज़ादी का ये पर्व मनाने के लिए हमारे साथ हमारे फैमिली के अहमदाबाद ऑफिस से जो स्टाफ है वो सब अपने परिवार के साथ आज उत्साहपूर्वक ये हमारे साथ मनाने आए हैं। तो और बाकी साथी कर्मचारी भी हमारे सब आ गए हैं यहाँ पे अपने अपने टीम के ड्रेस पहन के, ताकि उत्साहपूर्वक सब टीम का सपोर्ट कर सके। जय हिंद। आ गई है झंडा उत्तोलन की। मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे बीच आज हमारे ऑफिस जो अहमदाबाद ऑफिस है वहाँ से पूरा टीम यहाँ पर उपस्थित है, उन लोगों को फिर एक बार पूरा महाशक्ति परिवार कार्यक्रम शुरू किया जाए। मैं सिक्योरिटी इंचार्ज से आग्रह करता हूँ कि आप हमारे उस टीम को पूरा झंडा उत्तोलन के लिए आमंत्रण करें,
और मैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब जन प्लीज वहां जाएंगे, सिक्योरिटी इंतजाम प्लीज। जोरदार तालियां एक बार प्लीज। जय सब 24 घाट दो सुपरवाइजर झंडा तोलन करने के लिए आप लोग का सदन निमंत्रण देता है सब। जय सब जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मैदान पेड़ पौधे हम सब और विशेष करके ये उज्जवल तिरंगा झंडा। इसी उपलक्ष में जिनको भी कुछ मैसेज देना हो कुछ बोलना हो सभी के लिए आमंत्रण है, आप आके यहां बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं MD अफताब आलम से रिक्वेस्ट करता हूं आए और वो कुछ जोरदार तालियां प्लीज। हेलो हेलो मेरे भाइयों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। इस झंडा फहराने के एवज में कुछ शायर में बोलना चाहता हूँ, अब गौर समाप्त हो रहा है। इस पेड़ में फूल है, इस पेड़ में फूल है, अरे भाई मैं तोड़ू कैसे। आज महाशक्ति कोप में झंडा फहराना है सबको, छोड़ू कैसे। बहुत खूब हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, देश में भी मोहब्बत करता हूँ, देश से भी मोहब्बत कर अपने भाइयों से भी मोहब्बत है। उसके हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूँ, गौर करें समाज फरमाए। हम सभी से पूरे हिंदुस्तानियों से इतना मोहब्बत है, हम पूरे हिंदुस्तान और यहाँ के जितने लोग हैं हम सब से इतना मोहब्बत करते हैं साहब, गौर फरमाएं। अरे भाई हम पूरे हिंदुस्तान से इस वतन से इतना मोहब्बत करते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। ओ भाई साहब दिल खोल कर कैसे दिखाऊं, दिल का कोई दरवाजा नहीं। मेरे भाइयों तराना पढ़ ले पहले, उसके बाद सभी लोग
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। सबसे पहले लाल किला के प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने झंडा लहराए, फिर पूरा देश पूरा विश्व में जहां जहां हिंदुस्तानी है वहां वहां इस तिरंगा को आज लहराया गया। इस इतने बड़े उपलक्ष में थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि हमारी पूरा टीम यहां पे है, ऑफिस अहमदाबाद सारे जगह से, तो कुछ उनका भी अनुभव है। बहुत तरह का परिस्थिति हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग इस कंपनी में हैं, बहुत तरह का परिस्थिति हम लोग उतार चढ़ाव बहुत कुछ देख रहे हैं, बीच में कोविड आया और बहुत कुछ है, मार्केट बहुत कुछ, तो इसी कड़ी को हम लोग ने बहुत ही मजबूती के तरीके से फेस किया और आज भी हम लोग खड़े हैं। आज भले दो चिमनी में धुआं निकल रहा है, आशा है कि हमारा आठों चिमनी में धुआं आएगा जल्दी से जल्दी। इसी बीच मैं सबसे पहले हमारे एचआर साहब मुर्गेश जी आए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं प्लीज आके दो शब्द बोले। दोस्तों, रिस्पेक्टेड रमेश भाई पटेल सर, बाकी हमारे सुपरवाइजर्स, अफकोर्स हम अहमदाबाद से आए हुए हैं, हमारा स्टाफ, उनके फैमिली, आप सब लोग, 75वां आज़ादी का साल है, हम लोगों ने 75 साल कंप्लीट किए यहाँ पे, और अपना स्पोर्ट्स भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, तो इस पर्व पर मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ और हम लोग ऐसे ही प्रगति करें, हम लोग का पूरा जो परिवार है हम लोग ऐसे ही यहाँ पे माँ शक्ति के ये ग्राउंड पे सौराष्ट्र फ्यूल की कंपनी में ऐसे ही हम लोग लगातार प्रगति करें, हम लोग का वही सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है वो हम लोग का कंपनी में भी वही होता है, सब साथ में बैठ के काम करेंगे, कंपनी को ये और एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जरूर जाएंगे सर। हमारे माननीय सर उज्जवल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जोरदार तालियां उज्जवल सर प्लीज। कल इनका गेम कैसा था? हाँ, फुल टैलेंटेड। थैंक यू। माननीय रमेश भाई एंड ऑल अहमदाबाद टीम एंड सारे भाइयों, पता नहीं मुझे क्या बोलना है, पहली बार बोल रहा हूँ तो कुछ हो जाए तो छोड़ देना मेरे को। बट मैं काफ़ी नया हूँ कंपनी में, आप लोगों ने तो बहुत साल बिताए हैं यहाँ पे। जो चीज़ मैं ठोस से कह सकता हूँ कि कितनी भी मुश्किलें आए, इंडिया में आए या फिर कैसी भी परिस्थितियाँ यहाँ पे आके गई है, बट अपनी चिमनी में धुआं निकला है, निकलता रहेगा। एंड आगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं एंड ये अपना जर्नी 30 साल हमने कंप्लीट किए हैं और 30 साल मैं तो बोल रहा हूँ और 100 साल अपने को निकालने हैं यहाँ पे और इसको बहुत आगे लेके जाना है। आज हम एशिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है कोक के, अपने को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना है, चाइना को भी पीछे छोड़ना है, तो ऐसी ही जितनी लगन से आप लोगों ने अब तक काम किया है हम भी करेंगे यहाँ पे आके, हम भी वही बढ़ावा देना चाहते हैं लोगों को। एंड अगर आपका कोई भी अच्छा सुझाव रहे प्लीज़ आके आके बताइए हमको, जो इम्प्रूवमेंट अगर कंपनी के लिए है तो हम ज़रूर उसको अमल में लाएंगे, ठीक है। एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि रमेश भाई ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, सारे लेवल के आज लोग एक साथ मिलके फुटबॉल ग्राउंड पे या फिर कोई भी मंच पे आज खड़े हैं, जो दर्शाता है कि हम सब एक हैं।
और इसी क्षण में मैं अपना ये वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ. एंड थैंक यू एवरीबॉडी टू मेक इट सक्सेसफुल. थैंक यू सर. इसी बीच इस महापर्व में हमारे लाखावर के सरपंच साहब माननीय श्री रंजीत सिंह जी आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत पूरा महाशक्ति परिवार की ओर से. आप आए सर, धन्यवाद, अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पे दिए. आपकी उपस्थिति हम लोग के लिए बहुत बड़ा जोश एनर्जी लाएगा. धन्यवाद सर. अभी सर बोल रहे थे ना 30 साल, तो बहुत जन ये तो 2002 में चालू हुआ, 30 साल कैसे हो गया. हमारा प्रोजेक्ट गुजरात में पोरबंदर, वहाँ से बीज डाला गया था यहाँ गुजरात का. उस समय से जर्नी वाले भी बहुत जन हैं यहाँ पे, तो मैं मंदिर जाके अपना पुराना से पुराना एक्सपीरियंस शेयर करें. धन्यवाद. जय हिंद. रिस्पेक्टेड रमेश भाई तेमज अमरा अमदावाद ऑफिस ना तमाम स्टाफ अने बधा कर्मचारी, खास तो फेमिली सौराष्ट्र फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड नो एक परिवार. एक्चुअली आज मने संजय भाई कीधु पर मने पन याद आवी गयो के सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड नो पहलो फाउंडर एम्प्लॉइज अत्यारे कर हूँ जईश कदाच सौथी पहलो, कारण के सीनियर निकली गया है एटले अत्यारे हूँ छू. अने मने याद छे बहुज ओली परिस्थिति में आपणो पोरबंदर स्टार्ट थियो, आजे आ भव्य भव्य में भव्य यूनिट जेम उज्ज्वल भाई कीधु एम एशिया लेवले ने वर्ल्ड लेवले, तो आज महाशक्ति ने आ लेवले पहुँचाड़ू तो एमा खास दरेक कर्मचारी रमेश भाई अने एमनो आ स्टाफनो परिवार खरेखर एमनी ज मेहनत छे. बधाने फरीथी आभार. थैंक यू. धन्यवाद सर. हमारे महाशक्ति के वर्कर सुपरवाइजर कलीग कोई कुछ बोलना चाहते हैं उनके लिए वेलकम प्लीज. जय हिंद. आए हुए जितने भी महोदय हैं एवं अतिथिगण एवं हमारे प्यारे भाइयों, अगर कहने में कुछ गलती हो तो कृपा हमें अपना भाई समझ के माफ़ कर दें. आज बहुत ही खुशी की दिन है. 15 अगस्त 1947 इस दिन को हम आज़ादी के नाम से जानते हैं. इस दिन को हम आज़ादी के नाम से जानते हैं लेकिन हम लोग उन दिनों को आज शायद भूल ही गए जो हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी. हमारे इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के उन पढ़े लिखे विद्वानों, उन पढ़े लिखे विचारकों और उन अनुभवों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी. हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75वां साल हो गया है, फिर भी हमारे देश आज भी उन्हीं आर्थिक स्थितियों और परिस्थितियों से गुजर रही है जहां पहले थी. आज अगर इस समय कुछ बदलाव हुआ है तो भारत में सिर्फ जनसंख्या ही बदलाव हुआ है, ना कि विचार, ना कि शिक्षा और ना किसी प्रकार का कोई अनुभव. हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपना विचार बदलना होगा. विचार बदलने के बाद हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को शिक्षा की अधिकार है. जिस इंसान के पास शिक्षा ना हो, जिस इंसान के पास
के पास ज्ञान ना हो, जिस इंसान के पास ये समझने की विचार ना हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, वह एक पशु के समान समझा जाता है। आज भारत हो या पाकिस्तान, हम भारतीयों ने जब से देश अलग हुआ, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहे और हमेशा ही रहेंगे। हमारा देश भारत सिर्फ धर्म निरपेक्ष के ही नाम से नहीं बल्कि संविधान के भी नाम से जाना जाता है, और सबसे पहले हमारा देश के संविधान को ही लागू किया जाता है। हमारा देश के राष्ट्रपति जो कि प्रथम नागरिक के नाम से जाने जाते हैं, और उनको सम्मान, और हमारा देश के प्रधानमंत्री जो कि आज हमारे देश के विकास के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, उसके लिए हमें सब मिलकर उनकी मदद करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें उन महापुरुषों को भी नमन जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी करने के लिए हंसी हंसी फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने परिवारों का त्याग कर दिया, जिन्होंने अपने मन में आए हुए उमंगों को भी तोड़ दिया, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हमें एकता की जरूरत है। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज हर एक के लिए। इन्होंने अभी बोले कि देश को आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री खाली काम करने से नहीं होगा। हम सभी को अपना स्तर में जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो भी देश का एक तरक्की है। मैं हमारे माननीय श्री रमेश पटेल सर से आग्रह करता हूँ कि प्लीज आए और अपना दो शब्द हम लोगों को अपना वितरण करें। धन्यवाद। वंदे वंदे आजादी के इस अमृत महोत्सव में सौराष्ट्र फ्यूल्स के इस खेल के मैदान में मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, सभी कर्मचारी गणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे अभी हमारे मित्र सूरज जी ने बोला कि देश 75 साल में सिर्फ जनसंख्या ही वृद्धि किया है, ठीक है, हम लोग 33 करोड़ से 133 करोड़ तक पहुंच गए हैं। प्याज हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है स्वप्न है हम सबको पूरा करने का है। हमको, हम सब सोचते हैं कि हम देश के प्रगति में क्या योगदान दे सकते हैं। तो आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को करने का है। आपकी छोटी सी मेहनत भी जो है देश को कुछ कदम तो आगे बढ़ाती ही है। इसलिए हर छोटा हर बड़ा आदमी जिस किसी भी फील्ड में है पूरी निष्ठा से काम करे तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो बहुत ऊंचा स्वप्न है, उस स्वप्न में हम लोग भी भागीदार जरूर बनेंगे। देश को आगे बढ़ाने में आप सबका भी सहयोग रहेगा। एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कच्छ में आए हुए आज हम लोग को 20 साल खत्म हुए, आज हम लोग 21वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 14 अगस्त 2002 को हमने इस कंपनी की नींव रखी थी, आज उसको भी पूरे 20 साल हो गए हैं, आज 21वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आजादी के इस अमृत महोत्सव में पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद सर। सावधान ब्रेड मुखमार से तीनों तीन में तेज चलेगा तेज चल। श्री मान्य रंजीत जी आए हुए हैं, उनके हमारे कंपनी की ओर से हमारे पूरा परिवार की ओर से माननीय हमारे श्री पटेल सर उनको सम्मान करें प्लीज, सम्मानित जोरदार ताली बजाएंगे। तो हमारे साथी टीम वाले भी भारी उत्साह में है, अभी मैच भी चालू होगा फुटबॉल का, तो सब अपना ध्यान मेरे कैमरे को खिंचवा रहे हैं कि वो भी आ जाए। तो अभी टीम सब रेडी है फाइनल के लिए, और सभी टीम और हमारे ऑफिस स्टाफ का एक साथ फोटोशूट हो रहा है। और हमारे यहाँ अतिथि के रूप में लखापर गांव के सरपंच श्री आए हैं, तालुका पंचायत के सभी श्री भी आए हैं, महेंद्र सिंह जी भी आए हैं, और पूर्व सरपंच श्री बटुक सिंह जी भी आए हुए हैं। आग्रह करता हूँ कि श्री महेंद्र साहब को इस विशेष दिन पे जो उपस्थित हुए उनके लिए धन्यवाद और सम्मानित जोरदार ताली। सर हमारे बीच युवराज सिंह जडेजा साहब है प्लीज। जोरदार ताली प्लीज। मुर्गेश भाई प्लीज। नहीं संजय पाजा साहब प्लीज। माननीय श्री बिनुबा जडेजा साहब को आप प्लीज सम्मानित करें। हमारे संजय उपाध्याय साहब धन्यवाद सर, आप अपना समय निकालो। प्रोफेसर माननीय श्री बटुक सिंह साहब सोना साहब को प्लीज सम्मानित करें। धन्यवाद आपने बनाया ये स्टार्ट किया जाए। अभी वीर और गांव का फाइनल मैच चल रहा है और उसका सेकंड हाफ भी चालू होने वाला है, आपको मैं दिखाता हूँ। और अभी मैं और नक्स बैठे हैं, नक्स भी थक गया है आज। क्या नक्स? तो अभी 15 अगस्त का ये अभी खेल का चालू ही है, पिलो फाइट ये सब चालू ही था, बाकी तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो गया और ग्राउंड भी गीला हो गया कीचड़ वाला, आप फुटबॉल मैच देख ही सकते हैं। तो बाकी सब जो खेल है वो नहीं हो पाया, खाली फुटबॉल और पिलो फाइट ही हुआ है। रेफरी महोदय से निवेदन है कि आप खेल को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। 12 मिनट थक गई है जगह नक्स। फाइनल में दोनों टीमों ने बढ़िया प्रदर्शन करके इधर वीर फाइनल में जगह बनाए, फिर क्रांति ने फाइनल में जगह बनाए। अभी फाइनल का मैच चलता हुआ, हाफ टाइम का खेला खत्म, इसमें वीर 1-0 से आगे और बहुत ही रोमांचक खेला दिखने को मिला है। और ये खेला खत्म होने के बाद पिलो फाइट का क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल और उसके बाद लॉटरी लकी ड्रॉ। अभी नक्स और मैं आए हैं खाना खाने क्योंकि 3 बज गए हैं, सब गेम भी अभी ख़त्म हो गया है। अभी पिलो फाइट और ये लॉटरी का जो है वो बचा हुआ है। तो अभी 3 बज गए, मैं भी पूरा फुटबॉल का जो है मैच वो शूट करने में थक गया हूँ और ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा पाएगा अपना और नक्स का, मैं पूरा प्लान का दिखा पाया। तो आपको फिर खाना खा के वापस आपको मिलता हूँ। चल thank you.
देवराज पिल्ले रेफरी, जोरदार ताली, करण रेफरी। अब एक पुरस्कार जो है वो है कि हर पल को वो कैमरा में कैप्चर कर रहे थे, छाता लेकर कीचड़ में, कादों में, पानी में, आप अभी हो कभी भी हो उनका यूट्यूब चैनल में वो अपडेट कर रहे हैं। आपको बहुत जन को उस यूट्यूब चैनल के बारे में मालूम चल गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वो है मिस्टर अशोक। अशोक अशोक पूरा वर्ल्ड एमएससी स्पोर्ट्स हिपेप हिपेप, धन्यवाद। चालू हुआ तो मेरा पुराना डायलॉग, ये तो झांकी है, आने वाला पूरा बाकी है। तो बहुत ही मौसम समय सब कुछ देखते हुए आप लोग सब ने इस गेम में पार्टिसिपेट किए, काम को भी नहीं रोका। बड़ी बात यह है कि दिन में खेला हुआ तो रात को बैकअप किए, मैंने भट्टा भी नहीं रुका, डिस्टेंस भी नहीं रुका, पिसाई भी नहीं रुका, टर्न ओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके लिए पूरा पूरा धन्यवाद आप सभी को। आशा करते हैं कि हम लोग का प्लान और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपका बिना सहयोग से नहीं बढ़ेगा। हम लोग प्रण करें आज कि हम लोग जितना ड्यूटी टाइम देते हैं 100% काम करेंगे। जो कार्यक्रम है वो खत्म होता है, अभी एक जो लकी ड्रॉ है वो बाकी है, वो हो जाए उसके बाद कुछ बोलता हूँ। धन्यवाद। अभी जो है लॉटरी का खेला चालू है, अभी सभी अपना अपना लॉटरी लेके बैठ गए हैं कि किसका लॉटरी लगेगा। 7327 अब चार नंबर दो मिक्सर ग्राइंडर के लिए, सब चेक कर रहे हैं अपना नंबर में कि किसको मिक्सर ग्राइंडर लगेगा। अभी मिक्सर ग्राइंडर का लॉटरी हो रहा है, बाकी सब का हो गया है, पीछे जो था वो 3 9 आप काका अब ऊपर आइए, ये टीवी के लिए है, ये है देखिए मैंने पहला डिजिट का नंबर, आप डालिए, एक बोटी निकालिए, एक ही निकालना, आठ। बस धन्यवाद। ये बी नंबर है, बी माने दूसरा डिजिट वाला, ध्यान से देखें। उज्जवल सर आप आइए, 0 0 1 8 1 और ये सी है लास्ट डिजिट। ये मैं ऑनरेबल सर नवीन सर से बोलूंगा, लास्ट डिजिट आप निकाले प्लीज। पीतांबर सोरेन, जोरदार तालियां, लकी।
तो आज का महोत्सव था हमारे कंपनी में, तो समापन अभी हो गया है और अभी हम मैं और नक्स घर जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से आए थे तो बहुत थक गए हैं। और नक्स और मुझे ये इनाम मिला है, एक एक है, तो लेके जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग लंबा बहुत हो जाएगा और लेकिन जय हिंद जय भारत, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त कर दें। बहुत सारा कार्यक्रम था, 3-4 दिन से इवेंट चला आ रहा था, समापन आज हुआ, बारिश मिली, मज़ा इतना मज़ा आया। हमारे अहमदाबाद से पूरा ऑफिस टीम, हमारे चेयरपर्सन, डायरेक्टर सब पहुँचे, खूब उन्होंने भी एंजॉय किया, बच्चे लोग ने एंजॉय किया और बहुत अच्छी तरह से समापन हुआ। ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते रहेंगे, सहयोग आप लोग का चाहिए। और ये इनको मैं और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पल पल का खबर हम लोग के बीच ये पहुँचाते रहे। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू भाई। तो आप ये जो चैनल देख रहे हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पूरा इवेंट को इन्होंने इतना अच्छा तरीके से कवर किए, कवरेज किए, हर मोमेंट का जानकारी दिए, बहुत अच्छा लगा। इनको जिनको जिन्होंने सब्सक्राइब किए, लाइक भी मिला, बेल आइकॉन भी बजा, ज़बरदस्त मिला, आपको भी मज़ा आएगा, देखते रहिए हमेशा। और धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।